जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे सिनेमन पेसर्स वर्सेस नटमेग वॉरियर्स T10 मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम गिरनाडा के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 9:30 बजे स्टार्ट होगा। तब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा जो टूर्नामेंट है ना, स्पाइस आइलैंड T10 लीग, इसका पहला दिन है और ये डे का सेकंड मैच रहेगा। पहला मैच ने यहाँ पर करीबन 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उस मैच को देखना है दोस्तों लाइव और ऑब्जर्व करना है पिच दोस्तों यहाँ पर किस तरह से बिहेव करती है। या फिर मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा कि भाई दोस्तों पिच यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ना, ये टूर्नामेंट का स्टार्टिंग डे फर्स्ट है, तो मेरे हिसाब से बैटिंग करने के लिए बढ़िया सर्विस होना चाहिए और लॉजिकली ना स्पिनर्स को मदद मिलती है कैरिबियन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो धूप तगड़ी पड़ती है तो पिच के ऊपर ना जल्दी से क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन ये पहला दिन रहेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादातर बैट्समैन को मदद मिली और हल्की सी यहाँ पे पेसर्स को मदद मिल सकती है। एवरेज स्कोर 62-80 आपको बनता दिखेगा और सनी वेदर यहाँ पर रहने वाला है। वीडियो को दोस्तों आप लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो, पूरी मेहनत आपके सामने यहाँ पर रहने वाली है। आप खुद कहोगे भाई कहाँ से दोस्तों आप ऐसे स्टैट्स ढूंढ के लाते हो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आप किसकी तरफ। अगर आपको फाइनल टीम चाहिए, फर्दर अपडेट्स चाहिए, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम के ऊपर। कैसे जुड़ना टेलीग्राम से, मैं आपको ना हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। जैसे वीडियो खत्म होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पहुंचना, वहां पर ना टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। ठीक है, टॉस के बाद कोई भी अपडेट्स इन द टेलीग्राम चैनल, हाउ टू ज्वाइन, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन। बात करेंगे दोस्तों लाइनअप्स की। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो नटमेग वॉरियर्स टीम है ना, इसकी कैप्टनसी करें एंड्रयू फ्लेचर। दोस्तों इनको कौन ही जानता है, ये बिग बैश लीग खेल चुके हैं, CPL खेलते हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर ये दोस्तों हैं। और इस साल जो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होगी ना, उसके अंदर ये T20 स्क्वाड के अंदर पक्का रहेंगे। ठीक है, तो ये कैप्टनसी करें इस टीम की, राइटी बैट्समैन है, इन पे गिव अवे दोस्तों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हैशटैग आपको लिखना है स्टैट्स गुरुजी, लिख देना आपको, और आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि AF एंडल फ्लेचर कितने रन बनाएंगे, गिव अवे इन पे है। तब फिर देखो यहाँ से इनके साथ ओपन कर सकते हैं अकीम एलेक्स, मुझे लग रहा है दोस्तों, पर हो क्या सकता है डोनाल्ड मैकडोनाल्ड को भी खिलाया जा सकता है ओपनिंग करते हुए। तो देखते हैं दोस्तों टॉप तीन में तो यही बैटिंग करेंगे जितना मुझे लग रहा है, एंडर फ्लेचर, डोनाल्ड और अकीम एलेक्स। फिर आएंगे यहाँ से नंबर 4 पे हैस्टन जैक्सन, सैमुअल चार्ल्स आएंगे जो कीपिंग करते हैं, जेवन एंड्रू आएंगे, फिर आएंगे डैन मुरी, फिर आएंगे यहाँ से सिमन, फिर आएंगे यहाँ से जॉस थॉमस, बहुत तेज गति से बॉलिंग कराते हैं, डेरल साइरस आएंगे। ये दोस्तों इस टीम के मैं कह सकता हूँ MVP प्लेयर हो सकते हैं, मोस्ट अवेलेबल प्लेयर बॉलर के तौर पे रिडिक आएंगे, फिर आएंगे यहाँ से शेल्डन जोसेफ बेंच के ऊपर रहेंगे, फिर यहाँ से रेगिस बेंच के ऊपर रहेंगे और यहाँ से फ्रेंकोइस बेंच के ऊपर रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से सिनेमन पेसर्स की बात करते हैं, यहाँ से अलिक अथानजे, जो आपको याद रहेगा सुपर 50 के अंदर खेले थे। ठीक है, अब ये भाई सुपर 50 क्या होती है तो आपको पता रहेगा, जिस तरह से अपने इंडिया के अंदर ना 50 ओवर के जो घरेलू मैचेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, ऐसे ही न्यूजीलैंड के अंदर अपन बोलते हैं फोर्ड ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं मार्श कप, और अपन बोलते हैं उसको इंग्लैंड के अंदर रॉयल लंदन कप। तो इसी तरह जो वेस्ट इंडीज़ है ना, उसके अंदर सुपर 50 टूर्नामेंट होता है, बहुत ही हाईली रेप्यूटेड टूर्नामेंट होता है। उसके अंदर दूसरे भाई ने साल खेला था, लेफ्टी बैट्समैन ऑफ स्पिनर है। इनके साथ ओपन करेंगे जावेद हजार्ड, ये दोस्तों कह सकते हैं अपन विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर आएंगे यहाँ से हेरोन चैम्बल, ये क्या है राइटी बैट्समैन ऑफ स्पिनर है, 2008 के अंदर ये पहले खेलते थे प्रोफेशनल टीम्स के अंदर, नीचे आपको बताऊंगा। कैंड्रा पीटर्स आएंगे, रेप्यूटेड खिलाड़ी हैं, जॉस एडमर्ड थोड़ा ऊपर खेलते तो बेटर रहता। यहाँ से आएंगे फिर मैक नारायण, ये दोस्तों क्लास खिलाड़ी है, कैप्टन से गहरा इस टीम की। फिर आएंगे यहाँ से चैड चार्ल्स, जेवन एस्टी पॉल बहुत अच्छे बॉलर हैं, फिर आएंगे यहाँ से लुइस एडल बैक्स, एंड यहाँ से आएंगे विलियम्स। बेंच के ऊपर आएंगे एंड्रू जॉन और यहाँ से मथुराइन। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ क्या आई है, तो आपको ध्यान देना जो न्यूज़ है ना भाई क्या आ रही है। तो नटमेग वॉरियर्स की सबसे पहले बात करते हैं, इस टूर्नामेंट का नाम क्या है आपको पता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्पाइस आइलैंड T10 लीग। तो दोस्तों उसमें पहले से स्पाइस है, अब यहाँ पे स्पाइसमैन आ चुका है एंडर फ्लेचर। अगर आपको पता रहेगा क्रिकेट को फॉलो करते हो कि एंडर फ्लेचर को ना पैट नेम है स्पाइसमैन, इनको क्यों याद है पता है, क्योंकि इनको कुकिंग पसंद है पहली बात तो। ठीक है, और बहुत अच्छे प्लेयर है यार, और इनका जो हेड पोजिशन है ना पोज देके खड़ा रहता है एकदम, जिसको अपन बोलते हैं ना क्या खतरी पोज यार बंदे का, मतलब एक बार सिक्स मार देगा फिर बैट को वहीं रखता है, हेड पोजीशन वैसे रखता है, स्टैंड अलोन एकदम पूरा खतरी खिलाड़ी यार अपन कह सकते हैं उसको। अब देखो यहाँ से ये स्टिंग बुलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है मेरे लिए भी। अब देखो फिर क्या कहा गया कि डोनाल्ड MC डोनाल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और अकीम एलेक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे,
और सैंडल रेगिस भी एक अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। पर देखते हैं सैंडल रेगिस के दोस्तों क्या स्टैट्स आपको नीचे बताऊंगा। या बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो नटमेग वॉरियर्स है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल के अंदर क्या लिखा था कि जो टीम है ना नटमेग उसके अंदर विंडवर्ड वॉल्कनोस के फास्ट बॉलर हैं जॉस थॉमस, ये पेस अटैक को लीड करेंगे, इनका सपोर्ट रहेगा स्पीड स्टार मतलब जो तेज गति से बॉलिंग कराते हैं हैस्टन जैक्सन, और एक बॉलर हैं ग्रेनेडा प्रीमियर लीग के लेग स्पिनर जिसका नाम है डेरल साइकरस। अब देखो यहाँ से सेवन पेसर्स की बात करते हैं, यहाँ से आपको ध्यान देना है जो ये टीम है ना जिसके अंदर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं नारायण, और फिर आपको देखने को मिलेंगे अली कट्ठान से, और यहाँ से आपको हैरन कैम्बल कैनरा पीटर्स। अब बॉलिंग की बात करते हैं इस टीम के अंदर जो उसके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन हो सकते हैं सिमन पेसर्स के, तो हो सकते हैं यहाँ से नारायण जो बॉलिंग करते हैं, और जेवल एस टी पॉल, और यहाँ से अडेल बैक्स, और यहाँ से रूरल विलियम्स। अब देखो दोस्तों हाल ही के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी समझाया था कि मार्च के अंदर ना यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था, कौन सा ध्यान देना आपको ग्रेनेडा प्रीमियर लीग जिसको पर बोलते हैं जीपीएल टी20 जो मार्च के अंदर भी थी, तो उसमें देखो क्या प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिया था। जैसे नटमेग वॉरियर्स ने क्या करा था देखो, हकीम एलेक्स ने 7 मैचेस खेले थे, 18 की एवरेज थी, 108 रन है, 43 था, छक्के 3 मारे थे। एंड फेयर से मैं दोस्तों ज़्यादा नहीं कहूँगा, बॉस तो मैंने लिख रखा है दोस्तों, टूर्नामेंट का बॉस अपन कह सकते हैं भाई, ये एक्साइटिंग प्लेयर अपने लिए तो बहुत। इसने अभी हाल ही के अंदर ना जो जीपीएल टी20 लीग जिसमें खेला था उसमें निराश करा था, 23 रन 19 रन 2 मैचेस के अंदर 2 विकेट था। देन मुर्रे के दोस्तों स्टैट्स नहीं मिले हैं, अगर आपको स्टैट्स मिलते हैं दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, वही कहूँगा अपने को साथ में खेलना है ठीक है, और साथ में जीतेंगे दोस्तों तो साथ में हारेंगे, हमेशा से आपसे कहता आया हूँ ठीक है। तो मैंने दोस्तों जितनी मेहनत दोस्तों की थी मैंने आपके लिए करी है यहाँ पे स्टैट्स में, अगर दोस्तों आपको इस प्लेयर के स्टैट्स मिलते हैं ना तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं उसको पिन कर दूंगा, अपने भाई लोग भी देख सके उसको, या फिर मैं टेलीग्राम के ऊपर उसको पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इनके ऊपर बहुत रिसर्च करी और वीडियो इसलिए लेट बनी है क्योंकि ये प्लेयर्स के ऊपर रिसर्च करने में बहुत टाइम लग गया, तो भी दोस्तों स्टैट्स मिले नहीं। डेरल साइकरस 6 मैचेस में 10 विकेट निकाला था टी20 के अंदर, ये दोस्तों खिलाड़ी अलग है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से बैटर पिक है। डोनाल्ड एमसी डोनाल्ड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पर, 7 मैचेस के अंदर 15 की एवरेज, 104 रन 37 है। हैस्टन जैक्सन आएंगे 7 मैचेस के अंदर विद द बैट, 43 रन है, 6 विकेट है। सिमन का परफॉर्मेंस देखो यहाँ से, 5 में 3 विकेट 10 ओवर बॉलिंग कराई है। जेवन एंडो का दोस्तों स्टैट्स नहीं मिला है। जॉस थॉमस का 2 मैचेस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है, 5 रन 3 रन। लॉन फ्रैंकिस का स्टैट्स नहीं मिले, और यहाँ से रेडिक हेलिंग ने ना मैंने आर्टिकल पढ़ा कि इसने अंडर 15 के गेम के अंदर ना क्या करा था, ग्रेनेडा की तरफ से 4 विकेट निकाले थे 19 रन देके, और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, यंग टैलेंट के रूप में उसको देखा जाता है। आएंगे यहाँ से सैमुअल चार्ल्स, 7 मैचेस के अंदर 47 रन है, हाईएस्ट 19 है, 9 की एवरेज है। सैंडल रेगिस 7 मैचेस के अंदर मात्र 11 की एवरेज, 2 विकेट है, और 67 रन से हाईएस्ट 24 था। हिटिंग करते हैं मतलब आते हैं मारना चालू करेंगे तो आर या तो पार, स्टार्टिंग उड़ालेंगे यहाँ से कौन, डेल साइकर्स डाल सकते हैं, सामने रहती बैट्समैन रहेंगे तो लेग स्पिन लगा सकते हैं, पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रिडिक हेलिंग आएंगे, हैस्टन जैक्सन डेथ ओवर में, हैस्टन जैक्सन, जॉस थॉमस जिनका रेपुटेशन थोड़ी सी बताई गई है, स्टैट्स उतने खास लगे नहीं, और यहाँ से डेरल साइकरस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। सिनेमन पेसर्स की बात करते हैं तो यहाँ से अली कट्ठान से क्लास प्लेयर है, 4 मैचेस के अंदर 48 की एवरेज, 145 रन है, जो हाल ही के अंदर जीपीएल टी20 लीग भी थी, कौन से ग्रेनेडा प्रीमियर लीग ना कि गोकुलधाम प्रीमियर लीग ठीक है, आपको ध्यान देना इतना सा। आई 57 छक्के इसमें 8 मारे थे, 2 विकेट थे। चार्ट चार्ल्स का आप देख सकते हो 2 मैचेस में 29 रन है। हैरन कैम्बल का एक मैच में 27 रन है, प्रोफेशनल लीग के अंदर इसने बनाया था, और ये कह सकते हैं कि एक अच्छा प्लेयर है, बहुत ही टेक्निकल साउंड बैट्समैन इसको कहा जा रहा है। जेवेड हैजर्ड का यहाँ पे 7 मैचेस में 31 की एवरेज, 124 रन, 48 नॉट आउट, थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर इनको टॉप ऑर्डर में खिलाया जाता है और टीम इसको अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो कुछ मैचेस में क्या होता है प्लेयर्स अच्छे रहते हैं टीम के अंदर, लेकिन उसको नंबर 8 पे भेज देंगे, नंबर 7 पे भेज देंगे, तो उनसे कुछ नहीं होएगा यार, एक तो खुद वो टीम हारेगी जो अलग है ना, और उस प्लेयर को अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं करती, ऐसा बहुत मैचेस में होता है। आएंगे यहाँ से जेवन एस टी पॉल, 6 मैचेस में 11 विकेट था, उमदा परफॉर्मेंस। जॉस एडवर्ड आज तक टी20 मतलब खेला नहीं है आमतौर पर अपन कह सकते हैं, ओडीडी के अंदर इसके 4 मैचेस में 84 रन है, विंडवर्ड आइलैंड के लिए इसने खेला था। कैन मथुराइन इसके स्टैट्स दोस्तों नहीं मिला, अगर आपको मिलते हैं आप कमेंट कर देना। कैनरा पीटर्स के 7 मैचेस के अंदर 13 की एवरेज थी, जो अभी हाल ही के अंदर जीपीएल टी20 हुई थी मार्च के अंदर 93 रन था, 25 था, छक्के 2 मारे थे। कैरन एंड्रयू 2 मैचेस में 2 रन 0 विकेट है। फिर यहाँ से लुइस देखो आप, लेवगॉन लुइस गुड बॉलर, क्यों आपको बताऊँ इसने ना अगर ये मतलब कि 2-3 प्लेयर्स हैं इसी नाम से विंडवर्ड आइलैंड के अंदर तो वो दिक्कत आ सकती है।
इसने ना इवान लुइस को भी आउट करा था एक मैच के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों क्या करता है, क्योंकि तीन चार नाम के एक ही प्लेयर हैं। तो दोस्तों ऐसे टूर्नामेंट के अंदर यही दिक्कत आती है। फिर यहाँ से देखो नारायण का परफॉर्मेंस, मैक नारायण 5 मैच में 9 विकेट है, 52 रन विद द बैट है, 20 ओवर बॉलिंग कराई थी। निकब जॉन का स्टार्ट नहीं मिला। यहाँ से रॉयल विलियम्स का 5 मैचेस में 2 विकेट है। स्टार्टिंग उठा लेंगे यहाँ से अली कठान से, मैक नारायण से लॉगन लुइस आ सकते हैं। फिर यहाँ से देखो डालेंगे नारायण डेथ ओवर में, और यहाँ से लेवगन लुइस एडलबैग्स डेथ ओवर में आ सकते हैं। कॉमन कैप्टन एंड्रे फ्लेचर अली कतान से, बड़ी लीग्स में रहा हूँ एंड्रे फ्लेचर को, अली कतान से को, मैक नारायण को, हेस्टन जैक्सन अलग जाना है तो यहाँ से अखीम एलेक्स को ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ से डेरल साइगरस को। वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करना है, फिर आप डिसलाइक कर सकते हो। बस वही कहूँगा पूरी मैंने दोस्तों मैंने अपनी शिद्दत से करी है जो आपके सामने है। आपको भी प्लेयर्स के स्टैट्स मिलते हैं दोस्तों कमेंट कर देना, वही कहूँगा साथ में खेलना अपने को। चलते हैं दोस्तों टीम्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे कैप्टन है एंड्रे फ्लेचर, जो 64% जनता ने मना रखा है। वाइस कैप्टन एम नारायण, दमखम ये भी बहुत रखता है। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 10 क्रेडिट इसी का है, टूर्नामेंट में नहीं मतलब इस मैच के अंदर ये दोनों का है। अब देखो यहाँ से मेरे पास हैं एच जैक्सन, एस टी पॉल, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, और यहाँ से डी साइरस भी इंपॉर्टेंट लगे। जे थॉमस का ना आप खुद देखो यार, एक तो आर्टिकल के अंदर एक आ गया है कि पेस अटैक को लीड करेंगे जो टीम है ना, कौन सी आप देख रहे हो यहाँ से नटमग वॉरियर्स, उसका पेस अटैक को आई थिंक ये लीड करेंगे जितना मुझे लग रहा है, ऐसा कहा गया था आर्टिकल के अंदर। उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट ने पोस्ट करा था वो। यहाँ से एच कैम्बेल हो गया, अली कठान से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, मेरे हिसाब से बेहतरीन पिक हो सकता है आपके लिए। अब अलग क्या करना है दोस्तों, लाइफ के अंदर कुछ पाना है ना आपको, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो। तो यहाँ से मेरे हिसाब से अलग जाना है, रिस्क लेने से नहीं डरना है। पहला मैच है, थोड़ा सा हटके भी हो सकता है, क्या पता दोस्तों आप एक तरफा जीते या तो एक तरफा आपका यहाँ पे हो जाए। अब देखो यहाँ से एच चार्ल्स हो गए, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर सकते हैं जितना मुझे आइडिया लग रहा है। जे हजर्ड थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जे एडमंड भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एंड्रे फ्लेचर के पास, इंपॉर्टेंट है कैम्बेल, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, एक टेक्निकल साउंड बैट्समैन है। अली कतान से भी एक बहुत अच्छे विकल्प आपके लिए रहने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर रैगिस के पास, इनको भी एक हार्ड हिटर कहा गया है, देखते हैं क्या होता है। आएंगे एम नारायण, इंपॉर्टेंट है, मथुरैन का दोस्तों स्टैट्स नहीं मिले, अगर आपको मिलता है दोस्तों मुझे बता देना, अपन पिक कर लेंगे इसके स्टैट्स देख के। केविन पीटर्स मुझे इतने खास लगे नहीं, आई से मैंने एक एवरेज प्लेयर है। रे ऋतिक हार्डिंग ना अगर NW पहले बॉलिंग कराती है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बड़ी लीग्स में ट्राई कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हैक्सन इंपॉर्टेंट है, मुर्री के दोस्तों स्टैट्स तो मिले ही नहीं, सीधी बात है। ये दोस्तों एक एवरेज प्लेयर है, इसके स्टैट्स आपको दिखा दिए थे कुछ, 5 मैच में 3 विकेट था। जो थॉमस पेस अटैक को लीड करेंगे NW के, ये भी दोस्तों एक अच्छे पिक। अगर CP पहले बॉलिंग कराए तो यहाँ से लेवगन लुइस को आप ट्राई करना। फिर यहाँ से ना एक प्लेयर है दोस्तों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, डी साइप्रस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका 6 मैचेस में कुछ 10 विकेट था, अभी आपको मैंने बताया था लेग स्पिनर है, एक तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे। देखते रहे दोस्तों स्टैट्स, गुरु जी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वही कहूँगा अननेसेसरी दोस्तों बाहर ना निकलें, और गुड नाइट, टेक केयर, वैक्सीन लगवा लें दोस्तों सबके, वही कहूँगा। मिलते अगली दफ़ा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, एंड वेट फॉर द न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, द बेस्ट वर्सेस बेस्ट।